नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई ट्यूटोरियल सीरीज में जो कि मल्टीप्लेयर के ऊपर होगी। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीप्लेयर क्या होता है। खासकर हमारा फोकस होगा कि यूनिटी में हम लोग मल्टीप्लेयर कैसे बनाते हैं। कोई भी अगर गेम हमें मल्टीप्लेयर में बनाना है तो हम उसको यूनिटी में कैसे बनाएंगे। मैं इस सीरीज का स्टार्ट करूंगा विथ इंट्रोडक्शन कि मल्टीप्लेयर क्या होता है। पहले वीडियो में हम बताएंगे कि मल्टीप्लेयर होता क्या है, फिर दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि मेन कंसेप्ट क्या है बिहाइंड का, इसका लॉजिक क्या है मल्टीप्लेयर का। इस सीरीज़ के अंदर हमारे आगे वीडियोस होंगी जिसमें हम पूरा कोड करके भी दिखाएंगे कैसे करते हैं। हम लोग मेनली फोकस करेंगे फोटोन पे, पर मैं इस सीरीज़ के अंदर यूनिट के ऊपर, ये फोटोन और यूनिट एक पर दो वो है। मल्टीप्लेयर गेम बनाने के लिए हमें कोई नेटवर्किंग एपीआई की ज़रूरत होती है। नेटवर्किंग एपीआई मतलब ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ये वो प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिन्हें कहते हैं एपीआईज, जो हमारे को मदद करते हैं, जो हमें कुछ फंक्शंस और कुछ कोड ऐसा देते हैं जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्किंग यानी कि किसी रिमोट सर्वर पे यानी कोई ऐसे कंप्यूटर के साथ कांटेक्ट कर सकें या ऐसे कंप्यूटर के साथ बात कर सकें जो कि हमारे लोकल या हमारे आसपास में नहीं पर कहीं दूर है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इन्हीं एपीआईज के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, कोई भी दो बंदे या दो या चार या कितने भी बंदे अपने 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 जगह से या अपने अपने घर से या कहीं से भी वो लोग एक गेम को खेल सकते हैं एट अ टाइम, सेम टाइम, रियल टाइम में। तो फोटोन और यूनेट, यूनेट क्या है, यूनिटी का ही है, यूनिटी की ही एपीआई है। और फोटोन क्या है, फोटोन एक कंपनी की है। अब देखते हैं आगे, आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फोटोन मल्टीप्लेयर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लेयर क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कि मल्टीप्लेयर का मतलब क्या है, कि अगर मुझको एक ही गेम, मैं चाहता हूँ कि मेरा गेम चल रहा है ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर खेल रहा हूँ तो उसी समय मेरा दोस्त भी खेल सके, एक ही गेम को यानी कि एक ही सीन को हम दोनों खेल सकें। सपोज ये पहला गेम यहाँ चल रहा है, गेम वन, गेम टू, मोबाइल गेम, मोबाइल वन, मोबाइल टू। अब मेरा गेम दोनों जगह चल रहा है, पर क्या हमें क्या चाहते हैं कि दोनों प्लेयरें एक आपस में खेल सकें सेम गेम को। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, जैसे आप लोग जानते होंगे काउंटर स्ट्राइकर आपने खेला है, तो आप लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका सेम गेम दोनों जगह पे चल रहा होता है, लेकिन आप देख पाते हैं दूसरे प्लेयर की मूवमेंट। यानी कि आप, अगर आप हैं प्लेयर वन, प्लेयर वन, प्लेयर टू, तो होता क्या है, आप इस पूरे प्लेयर की मूवमेंट्स यानी कि इस प्लेयर की, आप अगर ये कोई गन लेके चल रहा है तो आप उसकी मूवमेंट्स देख सकते हो, क्या कहते हैं, दूसरे गेम के अंदर। वैसे ही इस प्लेयर की भी आप मूवमेंट्स क्या है, अगर ये यहाँ पे चलता है अपने इस एनवायरनमेंट में चलता है तो आप देख पाते हैं क्या हो रहा है, कि आप अपने फ्रेंड्स को भी देख पा रहे हो, वो चल रहे हैं वो लेके डॉय 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 ऐसे ऐसे करके फिर अपनी बंदूक के साथ, और आप भी क्या है कि अपने ही पीसी से कर रहे हो। अब ये सारे ये कैसे हो पाता है कि वो अपने पीसी पे खेल रहा है, आप भी अपने पीसी पे खेल रहे हो, पर फिर भी आप लोग क्या कर पा रहे हो, एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ वॉइस कॉल कर पाते हो, उसके अंदर अगर फीचर है, या आप उसको उसमें मैसेज कर पाते हो, छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस लाइन पे, फिर आप देख सकते हो दूसरा बंदा घूमा, आप उनको एक दूसरे को गोली मार सकते हो। ऐसे गेमर्स में अगर मैं काउंटर स्ट्राइक इस टाइप की बात करूँ या मिनी मिलिशिया की बात करूँ, तो ये सारे गेम क्या होते हैं, हमारे मल्टीप्लेयर गेम होते हैं। मल्टीप्लेयर गेम्स वो होते हैं जिनमें दो या तीन कंप्यूटर या उससे ज़्यादा क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, मतलब कि दो या तीन कोई डिवाइसेस, कंप्यूटर कह लो, मोबाइल डिवाइसेस कह लो या कंसोल्स कह लो,
वो क्या होते हैं, सेम ही गेम को, सेम ही गेम को खेल रहे होते हैं एट द सेम टाइम। और वो कैसे बातें किसके थ्रू करते हैं, नेटवर्किंग एपीआईस के थ्रू बात करते हैं, जो कि किस पे की बेस्ड होती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती है। सॉकेट प्रोग्रामिंग कहें तो कि एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, प्रोग्राम एंड द सेम प्रोग्राम इज रनिंग हेयर ऑल्सो, और ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं, टॉकिंग विथ ईच अदर थ्रू थ्रू सॉकेट्स। ठीक है, ये करते क्या है, अपने यहाँ पे एक पोर्ट और एक पोर्ट असाइन कर देते हैं गेम को, और फिर ये जो हमारी नेटवर्किंग एपीआईज होती है वहाँ एक सॉकेट बनाती हैं, और फिर वो जो दूसरा बंदा होता है वो भी अपने वहाँ एक पोर्ट बना देता है, असाइन कर देता है, और वहाँ पे भी वही ये नेटवर्किंग एपीआईज एक दूसरा सॉकेट बना देती हैं। अब क्या होता है, इन ये एपीआईज क्या करती हैं, इनको क्या चाहिए होता है, इन सारी एपीआईज को एक ट्रैकर चाहिए होता है। अगर आपका ऑनलाइन है, ट्रैक नीड नीड ट्रैकर्स, ये क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं जो कि ये ट्रैक करते हैं कि कितने प्लेयर्स अभी मेरे एक रूम में या लॉबी में हैं। यानी कि अगर आपको, आपने देखा होगा, आप कोई भी प्ले मल्टीप्लेयर गेम में आप खेलते हो तो पहले आप एक रूम या लॉबी स्टेब्लिश करते हो, यानी कि आप एक एरिया बनाते हो या एक रूम बनाते बताते हो कि इसमें बंदे आके ज्वाइन कर सके। रूम क्रिएशन, रूम ज्वाइन क्रिएट ज्वाइन। तो ये जो हमारे ट्रैकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये देखते हैं आपको, जब भी आप अपना मोबाइल में या अपने पीसी में कोई गेम ऑन करते हो तो उस गेम में पहले आपकी जो एपीआई होती है देखते हैं किसी बंदे ने इस गेम के, इसी सेम गेम के लिए कोई लॉबी या रूम तो नहीं बना रखा, और आपकी एपीआई क्या करती है फिर उस रूम को ज्वाइन करने की कोशिश करती है। और जब आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तब आपका क्या होता है, जब आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको उस रूम के अंदर वो कनेक्ट करा देती हैं। तो फिर आप क्या होते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ उस रूम में कनेक्ट होने के बाद आप उनसे बातें कर पाते हो और उनके साथ खेल पाते हो सेम गेम को। अब फ्रेंड्स ये आप देखे जाए तो जैसे कि पबजी हो गया हमारा, कोई भी बड़े बड़े डोटा 1 डोटा 2, ये बहुत ही फेमस गेम है जो कि हम मल्टीप्लेयर हैं। देखा जाए तो बंदे दिन रात इसमें खेलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि अकेले खेलने का मजा अलग होता है लेकिन जब साथ में खेलते हैं तो कुछ अलग ही मजा आता है, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा ही आपको मैंने इंट्रो दिया है कि मल्टीप्लेयर क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको और थोड़ा लॉजिक बताऊंगा क्लियरली कि मल्टीप्लेयर कैसे ही बनता है, कैसे है आप लोग, मतलब कि मेन लॉजिक क्या होता है, कोई भी एक सिंपल सा अगर मैं गेम बोलूँ तो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय फ्रेंड्स। अगर एक क्विक रिव्यू दें तो मल्टीप्लेयर यही है कि आपको अपना सेम गेम दो बंदे एक समय पे एक ही गेम को खेल सके, इररिस्पेक्टिव हो, यानी कि उनकी कोई भी कहीं से भी खेल सके, सेम नेटवर्क पे भी हो सकते हैं या डिफरेंट नेटवर्क्स पे भी हो सकते हैं, थ्रू इंटरनेट के थ्रू भी खेल सकते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क के भी थ्रू खेल सकते हैं। अब ये गेम्स कैसे खेल पाते हैं, इनके लिए इनको कोई ना कोई एक नेटवर्किंग एपीआई इसकी जरूरत होती है, जो कि आपके क्या करते हैं गेम इंजन्स में, अगर आपने आपका गेम किसी गेम इंजन से बना होता है, बड़े गेम इंजन से, तो आप किसी वो नेटवर्किंग एपीआई प्रोवाइड करते हैं या फिर आप कोई थर्ड पार्टी नेटवर्किंग एपीआई यूज करते हो। अगर यूनिटी की बात करें तो यूनिटी में यूनेट है, और अगर कोई थर्ड पार्टी कहें तो फोटोन भी, आप मैक्सिमम जो बनते हैं यूनिटी में वो फोटोन यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत से स्टेब्लिश्ड है और थोड़ा रोबस्ट टाइप का है, क्योंकि वो कई सालों से उनको मेंटेन कर रहे हैं उसकी कंपनी, और वो बहुत ही इजी टू यूज़ और किसी भी डेवलपर को बहुत आसानी होती है उसको बनाने में। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, चलते हैं।